नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 16, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को किस तरह से मेजर किया जाता है, इसकी मैंने आपको तीन टाइप्स बताए थे। एक तो था हमारा इनकम मेथड, दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड को हमने डिस्कस कर लिया था अपने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम मेथड के बारे में। इनकम मेथड को हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की इनकम मेथड में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जब भी एक फर्म अपने अप्लायंसेस को यूज करती है, जब भी एक फर्म जब प्रोडक्शन करती है, तो उस दौरान जो है ना, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो क्या होते हैं, वियर एंड टियर होते रहते हैं ना। उसके अंदर क्या होती रहती है, टूट फूट और मरम्मत होती रहती है। हम उनको जो खराब हो जाते हैं उनको चेंज करते हैं, तो वियर एंड टियर की जो प्रोसेसिंग है वो इस दौरान चलती रहती है। या फिर क्या होता है कि कुछ अप्लायंसेस जो होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं ना, टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी हो जाती है, और उसके अलावा इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इनोवेट हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, जो वहां की जो फर्म्स होती हैं उनको उसमें लॉस होने लगता है। जब नई टेक्नोलॉजी आ गई या पुरानी टेक्नोलॉजी चली गई, तो डेफिनेटली कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा आपका बेकार हो गया, आपको दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। जो प्रोडक्शन था आपका पुराना, वो भी बेकार हो जाता है। तो ये जो लॉस होता है इस कारण से, उसको हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन के अंदर, ठीक है। तो ये नई टेक्नोलॉजी के आने के कारण भी हो सकता है, या फिर लगातार जब हम एक ही लैंड पर प्रोडक्शन करते रहते हैं, तो उस कारण से उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी हम क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, कम हो जाती है। इसके कारण भी हमें उसमें लॉस होता है। और जब अगर हम उसी लैंड के ऊपर दोबारा प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारा आउटपुट कम निकलता है। तो इस कारण से जो हमें ये लॉस हो रहा है, इसको हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, कि जब भी हम लगातार कंटिन्यूअस जब हम किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को हम जारी रखते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर वापस करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कंटिन्यूटी होती रहती है। तो जो ये हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता है, और इस दौरान जो इसके अंदर टियर और वियर की कंडीशन आती है, या फिर टेक्नोलॉजी जो हमारी चेंज हो जाती है, या फिर हमारी जो फर्टिलिटी लैंड की कम हो जाती है, इसके कारण जो लॉस होता है प्रोडक्शन के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम डिस्कस करते हैं इनकम मेथड के बारे में। व्हाट इज इनकम मेथड? इनकम मेथड जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इनकम का मतलब कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम हो रही है। जब भी प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम हो रही है, जिन उनको जो हम इनोवेशन दे रहे हैं, उनको जो हम पे कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो उन सबका सम ऑफ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, उसका सम क्या कहलाता है, इनकम मेथड के अंदर उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम मेथड देखिए, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी कैलकुलेटेड आइदर बाय टेकिंग द सम ऑफ इनकम पेड आउट बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। इसको हम कैसे, एक कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट की जा रही है, कि या तो टेकिंग द सम ऑफ इनकम्स, जो एक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो जो पे करती हैं, उन सबको टोटल करने, एक प्रोड्यूसिंग कंपनी ने जितने भी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को पे किया, उन सबका टोटल या तो कर ले, या फिर और बाय द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स को इनकम रिसीव हो रही है उसका टोटल कर ले, या जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज ने पे किया है उसका टोटल कर ले। इन दोनों ही तरीके से हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स आर क्लासिफाइड as follows.
जो ये पेमेंट्स हम कर रहे हैं फैक्टर्स को, उसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है, वेजेस, हम जो लेबर है उसको हम क्या दे रहे हैं, वेज दे रहे हैं। और ये वेज हम किस रूप में दे रहे हैं, जो हमारी लेबर है, लेबर को हम क्या दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं। तो कंपनसेशन ऑफ लेबर, इसको हम क्या बोलेंगे, वेज किस रूप में मिल रहा है, कंपनसेशन ऑफ लेबर। दूसरा आपका इसमें क्या आता है, आपका आप कैपिटल को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। और जो लैंड है उसको आप रेंट पे कर रहे हैं, और जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसको आप प्रॉफिट पे कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं जो कि जिनको हम बोलते हैं ऑपरेशनल सरप्लस, इनको बोलते हैं हम ऑपरेशनल सरप्लस, ठीक है। और इसके बाद आता है आपके कुछ और भी इनकम, जो मिक्स्ड इनकम कंपनी के द्वारा दी जाती है। मिक्स्ड इनकम के अंदर बाकी सारी जो बची हुई इनकम है, मिक्स्ड इनकम, ये या तो वो पेमेंट के थ्रू देती है या फिर उनको कमीशन के थ्रू भी दे सकती है। अनेक बार क्या होता है, कंपनीज जैसे जो भी उनके वर्कर्स हैं उनको अच्छा काम करने के लिए उनको कमीशन बेस पर भी कुछ उनको पारिश्रमिक देती है, कुछ कंपनसेशन देती है। तो वो कैसे किस पर बेस्ड होता है, वो सारा कमीशन बेस्ड होता है। तो इसको हम इन फॉर्म ऑफ सैलरी या सैलरी बेस्ड होता है और कमीशन, ठीक है। ये है हमारा, इसको हम जिसमें हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। अब देखिए इससे हम क्या जीएनपी कैसे निकालते हैं। जीएनपी में हम क्या करते हैं, वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस डेप्रिसिएशन, ना इन सबको हम ऐड कर देते हैं, वेजेस को, इंटरेस्ट को, रेंट को, प्रॉफिट को, क्योंकि ये सब क्या है, कंपनसेशन है जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। और उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर देते हैं जीएनपी के अंदर। अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें हम इसको डेप्रिसिएशन को उसमें माइनस करना पड़ेगा। वेजेस को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, इंटरेस्ट को आई से, रेंट को आर से, और प्रॉफिट को पी से, और डेप्रिसिएशन को डीईपी से। तो ये आपका आ जाता है जीएनपी। इसको हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं, और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। इसको कैसे निकाला जा सकता है, इसका निकालने का तरीका है डब्ल्यू प्लस आई प्लस आर प्लस पी प्लस नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको हम नेट फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और एक और इसका फॉर्मूला है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने का, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को आप एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआई, एनआईएफए, ये वही है नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना। तो ये एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो है इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। यानी नेशनल इनकम बहुत सारे इसकी जो है
तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हम करते हैं उसके लिए जीएनपी है, जीडीपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, बहुत सारे हम इसके बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो नेशनल इनकम का मेन है वो क्या है, किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू एनआई, एनआई को ही हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो ये था हमारा कि हम किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको जितना भी कंपनसेशन मिल रहा है, जो भी हम उनके मेहनत के बदले में जो भी वो प्रोडक्शन में अपना कंपनसेशन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बदले में जो उनको हम पे करते हैं, वो सारा हमारा किसके अंदर आता है, इनकम मेथड के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो आपको कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि मेजरमेंट करते समय, इनकम मेथड से मेजरमेंट करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखिए फर्स्ट है हमारा जो कि अगर मान लीजिए अगर आपने कुछ आपने कुछ आप सेल किया है या परचेस किया है, किसके थ्रू किया है, गुड्स और सर्विसेज के थ्रू, मतलब आपने मनी के रूप में आपने उसको चीजों को नहीं खरीदा है, आपने क्या करा है, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में ही आपने उस वस्तु के बदले में वस्तु खरीद ली, या कुछ आपने जो उसका पे करना था वो मनी के रूप में ना करके किसी अदर गुड्स और सर्विसेज के रूप में आपने पे किया है, तो उसको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए, ऐड किया जाना चाहिए किसको, कि अगर आपने कोई सी मनी के अलावा किसी अन्य तरह से भी पेमेंट किया है। दूसरा इसके अंदर है कि यदि आपने टोटल प्रोडक्शन में अपने कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आपने थोड़ा सा कुछ अपने पास रख लिया है, तो उसको भी हम किसके अंदर, इनकम मेथड के अंदर ऐड करेंगे। अगर आपने अपना खुद का यानी हाउस होल्ड ने अपना खुद का हाउस भी काम में लिया है प्रोडक्शन के काम में, तो उसकी कॉस्ट भी, उसका जो रेंट है उसको भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए। और इसके अलावा है जैसे हाँ कई सारी इनकम है जो कि अनेक बार जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी इनकम को गवर्नमेंट को शो नहीं करते हैं या कम शो करते हैं, तो बहुत ही केयरफुली उन सारी इनकम को भी इसके अंदर ऐड किया जाना चाहिए। तो ये सारा था हमारा जो प्रिकॉशंस है, जो कि हमें जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम का मेजरमेंट करने लगे, तो इन प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इस पर भी आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम इसकी बात करते हैं, और ये आप फिर मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देती हूँ कि जितना भी प्रोडक्शन आपका हुआ है वही प्रोडक्शन आपके इनकम के इक्वल होता है, और जितनी भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को हुई है वो का वो ही सारा एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि नेशनल इनकम के अंदर अगर हम देखें तो प्रोडक्शन मेथड का, इनकम मेथड का और एक्सपेंडिचर मेथड का, तीनों का टोटल इक्वल आता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी कुछ चीजें हैं, ये फॉर्मूले आपको अटपटे लग रहे होंगे, हालांकि हमने ये जो नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड है इसको हमने डिटेल में अपने 14 चैप्टर वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको डिटेल में बताया है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस वीडियो को देख करके भी इसको दोबारा समझ सकते हैं। और ये क्योंकि अपना 15 चैप्टर अभी कोर्स से हट गया है, इसलिए थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले अभी आपके है नहीं। 15 चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले थे तो, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आप इतना ही समझ लें, और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।